विकास में राह को तरस रहा विधायक गोद ग्राम सिलदहा। सांसद आदर्श ग्राम की तर्ज पर सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के एक ग्राम को चयनित कर गोद लेने और विकास कर आदर्श ग्राम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत ग्रामीणों को उन तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है जिससे ग्राम स्वच्छ और व्यवस्थित हो सके। परंतु इन कार्यों को कराने के लिए शासन के पास किसी भी प्रकार का फंड नहीं है और न ही विधायक मद से कराने की कोई सुविधा। ये केवल ग्रामीणों को प्रेरित कर आदर्श ग्राम बनाने की योजना है, जो कि बिना फंड के हो पाना संभव नहीं है। अब ऐसे में कैसे हो पाएगा विधायक गोदग्राम का विकास? वही बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक द्वारा पथरिया विकास खंड के ग्राम सिलदहा को करीब 1.5 साल पहले गोद लिया गया है, परंतु आज तक किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है। वहीं घरों से निकला गंदा पानी गलियों में बह रहा है, जिससे गलियां कीचड़ युक्त तो है ही, साथ ही लोगों का चलना भी दुभर हो रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो वे करीब 4 साल से गलियों में सीसी रोड व नाली निर्माण की मांग को लेकर सरपंच सहित कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, कई बार प्रस्ताव बना जनपद पंचायत में पहुंचा चुके हैं। इसके बाद भी विधायक गोद ग्राम आज भी असुविधाओं से जूझ रहा है। वहीं अधिकारी उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात तो कह रहे हैं, परंतु अब देखना यह है कि अधिकारी कब तक मांग पूरी कर पाते हैं, जिससे लोगों को तमाम मूलभूत सुविधाएं मिल सके। ग्रामीण सेवाराम वर्मा ने बताया कि यह विधायक गोद ग्राम होने के बाद भी आज तक कोई विकास नहीं हो पाया है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर जनपद से कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन लगा चुके हैं। ग्राम सिलदहा की क्या समस्याएं हैं? हमारे ग्राम सिलदहा में हम लोग बहुत दिनों से सीसी रोड का मांग कर रहे हैं, किसी भी गली सीसी रोड नहीं बना है। यहाँ तक कि जो घर का पानी है वो गली में आ जाता है और चलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो गर्मी का दिन है, इसलिए अभी देखिए वहाँ बहुत भरा हुआ है पानी। बाहर से बच्चे लोग यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, 8-10 गांव के लोग, वो लोग अपने ऊपर का जो सलवार है उसको उठा उठा कर चलते हैं, पैर चप्पल को निकाल कर चलते हैं। ऐसी समस्या है। ग्राम पंचायत से यहाँ के हमारे कई आदमी हैं पंचायत के, जो कई बार प्रस्ताव कर चुके हैं, प्रस्ताव भेज चुके हैं पथरिया, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता है। पूरा गली कीचड़ रहता है, जिस गली में जाकर देखो उस गली में कीचड़ बरसात में। जी, कलेक्टर के जनदर्शन में भी दिलाए हैं। हाँ, दो तीन बार हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए हैं वहाँ मुंगेली जिला में, और कलेक्टर को वो जनदर्शन में दिए हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत आते हैं या पथरिया ब्लॉक में आते हैं जिला पंचायत। यहाँ मेरे को तो ऐसा लगता है किसी नेता का दबाव है कि ग्राम सिलहा में किसी प्रकार का विकास नहीं होना चाहिए, तब तो ये लोग दबा दबा कर रखते हैं कागज को। अच्छा, ये आदर्श ग्राम विधायक आदर्श ग्राम है सुनने हमारे है। एक दो साल एक हमारे सियाराम जी विधायक हैं बिल्हा विधानसभा के हमारे, और वो एक साल पहले इसको गोद नामे में लिया था। अभी तक गोद नामा लेने के बाद कोई विकास हुआ है? ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी प्रधानमंत्री योजना से भी पेपर में मैं देखा हूँ कि आदर्श ग्राम में फिर लिया है अभी। जगदीश प्रसाद वर्मा ग्रामीण ने कहा कि वे विकलांग हैं और चलने में परेशानी होती है। बरसात के मौसम में पूरी गलियों में कीचड़ भरा रहता है, उस दौरान कहीं जाना पड़ जाए तो कोई साथी उन्हें गोद में ले जाते हैं। सरपंच ने बताया कि वे मुक्तिधाम सीसी रोड सहित विभिन्न मांगों को लेकर जनपद व कलेक्टर जनदर्शन में करीब 10 बार आवेदन लगा चुके हैं, इसके बाद भी एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। परेशानी होती है यहाँ पर सिलदहा गाँव में आपको? सर, इसमें परेशानी बहुत कुछ है। आप लोग खुद गाँव घूम कर देख रहे हैं, इधर से आप इधर भी जाकर देख लीजिए, बहुत परेशानी। वो उठा कर लाता है साथी, कीचड़ इतना भरा हुआ है कि कुछ बता नहीं सकते। अब बोलने भी में भी डर लगता है, क्या बोलें कैसे बोलें। यहाँ के करने वाले खुद ऐसे आदमी है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सर, क्या क्या मांग रखी है यहाँ पर? मांग ये है सर, पूरा हमारा गांव का गली बनना चाहिए, हमारे गली बनना चाहिए। ये प्रमुख मांग सिलदहा की सीसी रोड के बारे में बताएंगे, सीसी रोड यहाँ पर कितनी है? सीसी रोड तो लगभग थोड़ा बहुत काम हुआ है। और कितने जगह कितनी गलियों में सीसी रोड बची हुई है? चलिए, पूरे गांव बचा है सर, थोड़ा बहुत हुआ है। क्या स्थिति है आपके गांव की गलियों में? पूरा कीचड़ से तो इसके लिए आप लोगों ने मांग की? हाँ, हम लोग जनपद पंचायत को मांग किए प्रस्ताव करके जी, और प्रस्ताव करने के बाद वहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कलेक्टर जनदर्शन गए, कलेक्टर जनदर्शन में हम लोग लगभग 10 बार आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं। तो अभी भी गए थे क्या? हाँ, अभी और गए थे। क्या आश्वासन, कुछ आश्वासन मिला क्या? नहीं सर,
वहाँ जांच करने भेजेंगे, वैसे करेंगे वैसे कर, बस वस्त कर बोलते हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग को बिजली का मांग किए हैं, गौठान का, मुक्ति धाम का और सीसी रोड का। स्वास्थ्य केंद्र में भी नहीं आ रहे डॉक्टर लगा? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में भी नहीं रहते सर। जानकारी मिली है तो इसकी इसके लिए नहीं बोले आप? इसके लिए तो अभी नहीं चर्चा नहीं किया सर, लेकिन मांग करेंगे ये। कि स्थिति जो आप देख रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, सिलदहा ग्राम पंचायत में आज मैं भ्रमण में आया हुआ था, ग्रामीणों से चर्चा भी करना था कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किस टाइप से योजनाएं चल रही हैं। तो वास्तव में इनका जो बड़ा मांग है पंचायत की, वो सीसी रोड का है। तो गाँव के जो अंदर की गली है उसमें तो निश्चित रूप से गाँव के लोग कुछ पानी वगैरह भी निकाल रहे हैं घर से, इसके वजह से काफ़ी गंदा हो गया है। और सीसी रोड तो यहाँ पर आवश्यक है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से, आकलन बनाकर जो है शासन को भेजेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे कि जल्दी स्वीकृति मिल जाए। सर, सीसी रोड भी जो है सर, उसकी गाइडलाइन में सर ऐसा है कि सीसी रोड से निकासी, पानी की निकासी जो मेन समस्या है, सर उसमें नाली इंक्लूडेड वाला कोई योजना हो तो ऐसी कोई योजना है जिसको आप गाइडलाइन में बनाना चाहेंगे? देखिए, गौरापथ में मुख्यमंत्री जो गौरापथ जो बनता है उसमें नाली का प्रावधान रहता है साथ में सीसी रोड के, लेकिन गौरापथ के लिए कम से कम 4 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए होता है। गौरव पथ जो है 4 मीटर की चौड़ी सड़क में ही बनता है, क्योंकि यहाँ पतला है तो गौरव पथ तो मिल नहीं पाएगा। समग्र योजना के तहत सीसी रोड संभव हो सकता है, तो उसके लिए नाली के लिए अलग से स्कीम से करवाना पड़ेगा, सेंक्शन ना पड़ेगा उसको। पहले ये लोग मांग किए थे जनपद के माध्यम से, तो अभी तक के कोई यहाँ मांग जो है पूरा करने के प्रयास किए गए? इसमें एक मांग और आया था, जनदर्शन में लोग लगाए थे, तो हम लोगों ने प्राकलन अभी 1-1.5 महीना पहले ही भेजा हुआ है जी। संभवतः शासन स्तर में कहीं ना कहीं होगा सेक्शन के लिए, वो हम लोगों ने 2 सीसी रोड का यहाँ पे भेजा हुआ है, करीब 4-4 लाख का 2 सीसी रोड का यहाँ पे गया हुआ है यहाँ से इस पंचायत से। और जो मुख्य सीसी रोड है, जो मुख्य यहाँ की सड़कें हैं, उसके लिए प्राकलन बना के हम पुनः भेजेंगे। वास्तव में समस्या है, उसका समाधान जो है करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। पथरिया सीओ ने कहा कि वाकई में गलियों में सीसी रोड व नाली निर्माण की आवश्यकता है। पिछले जनदर्शन में सीसी रोड की मांग की गई, जिसके पाकलन भेजी गई और जो मांगे हैं उसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नाली निर्माण के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ने कब दिया था? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? सीसी रोड, मुक्ति धाम। गाँव में सीसी रोड की क्या स्थिति है? कितने सीसी रोड? एकदम कीचड़ है गलियों में, कीचड़। सीसी रोड है भी कि नहीं है गांव में? नहीं है, एक भी नहीं है। थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, बाकी पूरे गांव कैसे है? कीचड़ है, कीचड़ कीचड़ युक्त है गली। तो ये मांग किए थे क्या आप लोग? जी। कहाँ कहाँ आवेदन दिए थे? अपना प्रस्ताव बना करके भेजे थे जनपद में? जी। कितना दिन हो गया होगा भेजे? दो साल। दो साल में अभी तक भी एक भी सीसी रोड नहीं मिला है। इसके बाद आप लोग और कहाँ कहाँ गए थे? जनदर्शन वगैरह में लगाए थे? जनदर्शन में भी लगाए थे। कितने बार गए हो जनदर्शन? 10 बार। इसके बाद भी एक भी काम पूरा नहीं आया मांगने के लिए? आपका नाम बता देंगे? नर्मदा पुरी सरपंच, ग्राम सिलदहा। मुंगेरी से निखिलेश लाल की रिपोर्ट।